हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों का मेरी चैनल में। सो गाइस, आज की वीडियो में KSV पे है। तो गाइस, KSV कंपनी के बारे में सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, ये मोटर पंप्स, मोनोब्लॉक पंप्स एंड वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर, वेस्ट वाटर, न्यूक्लियर पावर एंड इन सब गैस सेक्टर में ये काम करती है। ठीक है, आप सभी चार्ट पे आते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये वाला चार्ट दिखा देना चाहूँगी कि देखिए, इसका प्राइस जो है 4,350 रुपीज़ का है। 6 मंथ में इसने 36% का रिटर्न दिया है, 1 मंथ पे आप देख सकते हो 20% का, साल भर के अंदर 96% एंड 5 साल में 538% का रिटर्न देखने को मिलता है। कई सब चार्ट पे आ जाते हैं। अगर आप देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे अभी चार्ट में दिखा रही हूँ और काफ़ी अच्छा एक बुलिश देखने को मिला ट्रेंड। ठीक है, बट RSI अगर आप देखोगे तो RSI ऑल ओवर देखा जा रहा है कि 73-72 के आसपास ये आ चुका है। तो इट मीन्स आप कह सकते हो थोड़ा सा रिस्की है यहाँ इस पॉइंट पर बाय करना। ठीक है, अगर मैं यहाँ नीचे ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, फिर मैं RSI में भी ड्रॉ करूँगी अगर आप देखेंगे तो। देखिए, ट्रेंड देखा जाए तो ऊपर ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है। चलिए, नीचे तो कोई डाइवर्जेंस नहीं है। मैं ऊपर की साइड देखते हैं, ये ऊपर जा रहा है एंड इस पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे आया था ना, इस पॉइंट पे ड्रॉ करूँ। अब ये देखो, आप देख रहे हो यहाँ ऊपर जा रहा है और यहाँ पर ये नीचे है। तो इट मीन्स यहाँ डाइवर्जेंस बना, मतलब कि अभी ये जो ग्रीन कैंडल बनी है ना, इसके बाद यहाँ पर गिरावट आ सकती है। बट ये वीकली टाइम फ्रेम का है, मोस्टली आपको जो क्लियर होगी पिक्चर वो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे क्लियर होगी। ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाए तो अभी इसके अंदर आपको ये चीज़ नहीं देखने को मिल रही है। ठीक है, अभी आपको ये चीज़ वो नहीं बता रहा है कि डाइवर्जेंस बन रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, अगर आप 1 आवर के चार्ट पे ध्यान से देख रहे हो तो आप ये चीज़ें ध्यान से देखिए। देखिए, यहाँ पर गिरावट होना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, जो हमने वीकली टाइम फ्रेम पे देखा था कि डाइवर्जेंस बन रहा है अबव साइड RSI और उसके अंदर, देन अब आप देखेंगे कि इसके अंदर गिरावट आना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, थोड़ा सा नेगेटिव देख रहे हो, या आज के दिन कितना देखने को मिल रहा है, कितना गिर गया है। देखिए, नियर अब 1% गिरावट देखने को मिली, वो क्यों आया है? देखिए, अब अगर आप देखोगे यहाँ से ये ऊपर है, ठीक है, यहाँ से भी ऊपर है, नीचे से भी ऊपर है, यहाँ से भी ऊपर है, डाइवर्जेंस तो इधर है नहीं, तो फिर क्यों गिरा? अगर आप ध्यान से देखोगे, इस छोटे से पॉइंट में यहाँ डाइवर्जेंस बना है। ठीक है, यहाँ छोटे से पॉइंट पे डाइवर्जेंस बना है, लेकिन अगर वीकली टाइम फ्रेम पे जो कि मैंने आपको दिखाया था उसमें बहुत लंबा डाइवर्जेंस बन रहा था, इट मीन्स स्टॉक को तो गिरना ही था। चलिए, अब इस पर आ जाते हैं। अगर आप देखोगे तो कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है। अब स्टॉक पी इसका 72 है, इंडस्ट्री पी 43 है, भी हाई वैल्यूशन पे फिट कर रहा है। मेन पॉजिटिव पॉइंट ये है कि कोई भी स्टॉक प्लस नहीं है। ठीक है, वॉल्यूम काफ़ी सही देखने को मिलती है एंड ROC भी 20 से अबव है, ये भी 15 से अबव देखने को मिल रहा है ROC। एंड अगर आप बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी हमें अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। देखिए, धीरे धीरे 209 पे पहुंच गया, कहाँ ही 64 पे था और 209 करोड़ पे देखने को मिलता है। कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ भी देखिए बड़ी है। ठीक है, कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ भी यहाँ पर 3 साल में 30 से देखने को मिली, CGR भी बढ़ा है। रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा सा, मतलब अभी भी 17 पे है, लेकिन काफ़ी अच्छे उस पर देखने को मिला, 13% था, 17% बढ़ा है। बैलेंस शीट में आप देखोगे रिजर्व धीरे धीरे कंपनी के रिजर्व 1200 पे आ गए हैं। बोरोइंग कम हो गई है, 3 हो गई है, जो कि देखिए कहाँ 17, 24, 43, 60, 62 थी, अब 3 रह गई है, मतलब कर्जा कंपनी पे कम हो गया है। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब बात करते हैं कंपनी पे शेयर होल्डर पैटर्न की। शेयर होल्डर पैटर्न में अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्रमोटर्स की होल्डिंग एज इट इज़ है, FII की होल्डिंग बड़ी है, DII की होल्डिंग हल्की सी कम हुई है, बट पब्लिक की होल्डिंग भी थोड़ी सी कम हुई है। तो मतलब देखा जाए FII और प्रमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, तो एक ये प्लस पॉइंट हो गया। ठीक है, कहीं देखिए KSB इंडस्ट्री जो कि काफ़ी अच्छी जान पड़ रही है, न्यूक्लियर पावर से भी रिलेटेड है, काम जो करते जिस सेक्टर में काम करते काफ़ी अच्छा काम करती है एंड इसके फंडामेंटल चार्ट के अकॉर्डिंगली भी ये स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। तो आप इस स्टॉक देखिए, वैसे तो अभी काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन आप फिर भी इस स्टॉक को अपने रेडार लेवल पे लेकर चल सकते हैं फॉर द ट्रेडिंग। बाकी अगर देखिए, ये चीज़ें कोई नहीं बताता कि अभी ये स्टॉक में बाइंग आई है कि नहीं आई है, लेकिन मैं आपको कुछ कुछ ऐसे कंपनीज होती है जिसमें लगता है कि बाइंग का जोन चल रहा है, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। बाकी गाइस, मैं आप लोगों को यही कहूँगी, खुद से स्टडी करके चेक करके देन तभी इन्वेस्ट करके चलेगा। चैनल पर नए हैं ना तो लाइक करके ना मत भूलिएगा। बाय गाइस, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।